नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मकर राशि के फरवरी 2022 के राशिफल को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी हमारा खुश जीवन राशिफल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। कमेंट बॉक्स में अपने आराध्य भगवान, अपने इष्ट भगवान का नाम अवश्य लिखें। आइए शुरू करते हैं राशिफल। मकर राशि का फरवरी 2022 माह का राशिफल। मकर राशि यानी राशि स्वामी की बात करें तो शनिदेव बनते हैं, जो कि अपनी ही राशि से गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर शनिदेव आपके जन्म के चंद्रमा यानी सप्तम भाव के स्वामी के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। शनि की चंद्रमा के ऊपर से यह गोचर एक साढ़े साथी को दर्शाता है, जो कि यह एक पीक साढ़े साथी है। यहाँ पर शनिदेव आपके जन्म के चंद्रमा के ऊपर से गोचर करते हुए कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से परेशान अवश्य कर सकते हैं। हालांकि शनिदेव की यह स्व राशि है, खुद की राशि है, तो खुद की राशि में वे आपको मेहनत अवश्य कराएंगे, लेकिन उसका फल अवश्य देने वाले हैं। शनि को कर्म फलदाता भी कहा गया है। बात करें यहाँ पर सूर्यदेव की युति भी जो है वह शनि के साथ में और बुध के साथ में आपकी राशि के ऊपर से बनी हुई है। सूर्यदेव यहाँ अष्टम भाव के स्वामी हैं। शनि और सूर्य की युति को एक अच्छी युति नहीं माना गया है। अगर राशि की बात करें तो बुधदेव यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्येश का और आपके राशि स्वामी का यानी शनिदेव का गोचर एक यह युति एक अच्छी युति अपन मान सकते हैं, जिसके फलस्वरूप यह आपके भाग्य को वृद्धि करने वाला रहेगा। सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के बाद में, क्योंकि सूर्यदेव मध्य माह में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के बाद में आपको यहाँ आपके भाग्य से रिलेटेड फल मिलने शुरू हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो वे दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं यानी धन भाव में गोचर कर रहे हैं। धन भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति माने गए हैं। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है वह छठे भाव में, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में और नवम दृष्टि आपके दशम भाव में हो रही है। तो देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि मानी गई है, जो कि आपके छठे भाव, अष्टम भाव और आपके दशम भाव यानी कार्य क्षेत्र को लेकर कहीं ना कहीं इस माह में आपको इम्पैक्ट अवश्य देने वाली है। शनिदेव की दशम दृष्टि भी आपके कार्य क्षेत्र पर इम्पैक्ट डाल रही है। तो यानी दो बड़े ग्रह गुरु और शनि का गोचर आपके कार्य क्षेत्र के ऊपर से हो रहा है। अगर हम बात करें दशमेश की यानी आपके कर्मेश की, तो शुक्रदेव द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि लाभ भाव यानी मंगल के साथ में भी हैं। मंगल यहाँ चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं घर से दूर जाकर आपके नौकरी करने के चांसेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दशम भाव का संबंध द्वादश भाव से बन रहा है और देवगुरु बृहस्पति भी द्वादश भाव के स्वामी होकर दशम भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो यह संबंध आपके लिए आपके घर से दूर जाकर नौकरी करने वाला है। तो कहीं ना कहीं भाग्योदय के संकेत भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि माह के मध्य में आपको यहाँ पर प्रतीत होंगे, क्योंकि सूर्यदेव जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो यह गोचर एक शुभ गोचर होने वाला है। बात करें यहाँ बिजनेस को लेकर, तो यहाँ पर बुध, सूर्य और शनि तीनों की दृष्टि सप्तम भाव पर है, और यह जो सप्तम भाव के स्वामी हैं यानी जन्म के चंद्रमा के ऊपर से तीनों की युति बनी हुई है। तो यह बिजनेस को लेकर थोड़ा सा आपको मिश्रित फलदायी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो है बुधदेव छठे भाव के स्वामी भी हैं, जो कि आपके सप्तम से द्वादश हैं, यानी आपके बिजनेस से लेकर द्वादश भाव के स्वामी का गोचर एक अच्छा गोचर, शुभ गोचर नहीं माना जाता। बुधदेव यहाँ सप्तम से तृतीय के स्वामी भी हैं, तो बिजनेस को लेकर यहाँ आपको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। बात करें पारिवारिक स्थिति की, तो यहाँ मंगल जो है वे चतुर्थ भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि लाभ भाव के स्वामी के साथ में, तो आप इस समय परिवार से दूर रहकर अपने कार्य क्षेत्र पर अत्यधिक ध्यान देने वाले हैं। बात करें धन भाव की, तो धन भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, क्योंकि अपनी ही राशि से गोचर कर रहे हैं, आपकी जन्म की जन्म के चंद्रमा यानी जन्म राशि से ऊपर। तो धन के लिहाज से यह गोचर एक मिश्रित फलदायी रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का गोचर जो कि द्वादश भाव के स्वामी होकर यानी खर्चे के स्वामी होकर धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो धन का आवागमन बना रहेगा, धन की बचत इस समय आप नहीं कर पाएंगे। पंचम भाव की बात करें, तो यहाँ पंचम भाव में राहु की स्थिति बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि के ऊपर राहु का इम्पैक्ट भी अवश्य चल रहा होगा, क्योंकि पंचम भाव आपकी बुद्धि से रिलेटेड भी माना गया है और पंचम भाव के स्वामी का द्वादश भाव से गोचर भी हो रहा है। तो यहाँ जो भी डिसीजन लें वे बहुत सोच समझ के लें। ओवरऑल अगर हम बात करें कार्य क्षेत्र के लिहाज से, शनि और गुरु दोनों दशम भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट यानी मैं कहूँ कि जॉब चेंजेस, या मैं कहूँ घर से बाहर जाकर जॉब आपको मिलने के चांसेस अत्यधिक रहेंगे। बिजनेस को लेकर मिश्रित फलदायी फल रहने वाला है। पंचम भाव की बात करें, तो आपको यहाँ कन्फ्यूजन की स्टेट से बाहर निकल कर सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है। धन की बात करें, तो धन को लेकर यहाँ पर द्वादश भाव के स्वामी गुरु जो है
वे आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो धन को लेकर यहाँ पर आपको बचत करने की बहुत ही अभी जरूरत है। भाग्येश की बात करें तो भाग्य इस समय सपोर्ट करने वाला है। धन्यवाद।